तो दोस्तों, चॉकलेट केक बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं हम आपको दिखाते हैं। ये दूध, वेनिला एसेंस और ये ऑयल है, ये कैसे कैसे डालना है आपको बताते हैं। तो हमने चॉकलेट केक बनाने के लिए ये प्री मिक्स बना कर रख लिया पहले, और इसके अंदर क्या क्या डाला है वो आपको बताते हैं। 1 कप मैदा है इसके अंदर, आधा कप पिसी हुई चीनी है, 2 टीस्पून कोको पाउडर है, 1/3 टीस्पून मतलब पाव टीस्पून खाने का सोडा है, 1 टीस्पून इसके अंदर है बेकिंग पाउडर, और चुटकी भर नमक डाला है। और वो सब हमने कुछ इस तरह से मिक्स करके रख लिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसके लिए हमने ये ऐसा किया है। और इसका जो बैटर बनाएंगे, उसका बैटर बनाने के लिए हमारे पास ये 1 कप दूध है, और ये आधा टी स्पून वनीला एसेंस है, और ये 2 टेबल स्पून ऑयल है हमारे पास। चलिए इसका बैटर बना के आपको दिखाते हैं। चलो इसके अंदर सबसे पहले क्या तेल डाल लेते हैं। इसको आटे को हमने थोड़ा सा मिक्स किया है ऐसे ही सूखा, उसके बाद इसके अंदर तेल डालते हैं। अब इसके अंदर वनीला एसेंस डालते हैं जो हमने आधा टीस्पून लिया था। अब इसके अंदर ये 1 कप दूध डाल देते हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हुए डालेंगे, पूरा दूध एक साथ नहीं डालना है। ये लगभग हमारा बैटर ये बनने पे है, तो ये हमारे इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए हमें, इस तरीके का बनाना है। आप लोग देख लिए, ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके का हमको ये बैटर बनाना है, इस तरह से गिरना चाहिए। अब इसको हम लोग ये हमारे केक मोल्ड के अंदर पलट लेते हैं। इसको हमने पहले से घी वगैरह लगा के रखा था इसमें, ये जो हमारा टिन है केक का मोल्ड। चलिए इसमें पलट देते हैं इसको। इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग हम इसको भगोने के अंदर बना रहे हैं, टोप के अंदर, ओवन में नहीं बना रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे बना। ये जो बर्तन देख रहे हैं आप, इसको हमने 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे गरम होने के लिए रखा था, तो ये 10 मिनट से गरम हो रहा है। चलो अब इसके अंदर हमारा ये केक का बैटर इसके अंदर लग रखते हैं। अब इसको ढक के रख देते हैं, तो इसको हम 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ऐसे ही पकने के लिए रखेंगे। तो बनने के बाद आपको ढक्कन हटा के देखते हैं केक पक चुका है या नहीं। ये देखिए हमारा केक एकदम से तैयार हो चुका है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अब इसको डेकोरेट करके आपको दिखाएंगे।